हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अभी लेटेस्ट अपडेट आ गया रेलवे अप्रेंटिस 2023 के ऊपर। बिग अपडेट अभी आपको हम बता रहे हैं कि फाइनली एक डिवीजन का आपका जो फॉर्म अप्लाई हुआ था, जिसमें हजारों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे, और फॉर्म अप्लाई किए हुए कोई ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी मंथ में आपका इसका लास्ट डेट क्लोज हुआ था और इसी मंथ में फाइनली इसका रिजेक्टेड मेरिट लिस्ट जारी हो गया है, या आप बोल लीजिए कि रिजेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आ गया, या फिर ऐसे बोल लीजिए कि रिजेक्टेड मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। मेरिट लिस्ट अभी नहीं आया है, ये रिजेक्टेड मेरिट लिस्ट है। मतलब इससे आप ये देख सकते हैं कि पार्टिकुलर आपका फॉर्म डिपार्टमेंट एक्सेप्ट किया है या फिर रिजेक्ट किया है, और यहाँ पे हजारों की संख्या में रिजेक्टेड कैंडिडेट के लिस्ट में बहुत सारे छात्रों का फॉर्म जो है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर लेना। मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, नहीं तो सीधे आपको चले जाना है profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे। वहां पे रिसेंट अपडेट में, लेटेस्ट अपडेट में वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और अपना नाम सावधानी से चेक करिएगा, अपना नेम, फादर नेम, एप्लीकेशन नंबर, ये सारा कुछ। और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा तो उस पर पर्टिकुलर आपको रीजन भी बताया गया कि आपका फॉर्म क्यों डिपार्टमेंट रिजेक्ट किया, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि किस डिपार्टमेंट से आया, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट रेलवे का प्रोवाइड किया जा सके। आपको डिस्क्रिप्शन में टेली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर वहां भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी फर्दर अपडेट आते हैं कंटिन्यू आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सीधे चलते हैं ऑफिशियली रिजेक्टेड लिस्ट पे। तो देख लीजिए, सबसे बड़ा अभी अपडेट जो आ रहा है निकल के नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की तरफ से आ रहा है। देख रहे हैं आप सभी, रेलवे रिक्रूटमेंट से नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग नोटिफिकेशन आपका 22-23 लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन। इसमें आपका इसका लास्ट डेट था 2/8/2023, 2 अगस्त को इसका लास्ट डेट रखा गया था। और ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे 80,000 प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया। वहीं अगर बात करेंगे कि टोटल वैकेंसी कितना था, तो टोटल वैकेंसी 1104 पोस्ट पे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन ट्रेनिंग स्लॉट की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है। अगर आपने भी इसमें फॉर्म अप्लाई किया है तो जरूर जरूर वीडियो को एंड तक देखिएगा, कैसे करके आपको चेक करना है कि आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट किया गया है। चलिए एक एक बातों को समझिएगा। देखिए डिपार्टमेंट की तरफ से क्या बोला गया कि रिजेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट यहां पे या फिर रिजेक्टेड मेरिट लिस्ट यहां पे जारी किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट द नोटिफिकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग 2022 एंड 2023 फॉलोइंग एप्लीकेशन हैव बीन रिजेक्टेड। मतलब जो भी ऑनलाइन का क्रिटेरिया था उसके तहत जो फॉर्म अप्लाई किए उसका सभी का फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया, पर जो ऑनलाइन क्रिटेरिया के अनुसार फॉर्म अप्लाई नहीं किया गया उन सभी का फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। द रीजन फॉर द रिजेक्शन आर मेंटेन्ड अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट। क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहा था कि जब आपका ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाई हो जा रहा था, पेमेंट हो जा रहा था, तो आपका रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा था, फाइनल जो पीडीएफ होता है वो यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। तो देखिए क्या वो ऐसा भी रीजन है, या फिर अगर आपने पेमेंट नहीं किया, क्योंकि किसी किसी का पेमेंट ही स्किप हो जा रहा था। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का मैं बता रहा हूँ कि किसी का पेमेंट ही स्किप हो जा रहा था। अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी है, फिर भी किसी किसी कैंडिडेट का पेमेंट स्किप हो जा रहा था, डायरेक्ट वो प्रिंट वाले पोर्शन पे चला जा रहा था। तो क्या देखते हैं कि इस फैक्टर के कारण भी, इन सभी रीजन के कारण भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या क्या शो करेगा, तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, यहाँ पे नेम मिलेगा, और यहाँ पे रिजेक्शन रीजन फॉर रिजेक्शन, मतलब आपको अपना एक एप्लीकेशन नंबर, अपना नाम चेक नाम के अनुसार, और यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपका फॉर्म किस कारण रिजेक्ट किया गया, वो आपको रीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख लीजिए सबसे ज्यादा जो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो रहा, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एप्लीकेशन फीस नॉट सबमिटेड। देख लीजिए अगर आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फीस सबमिट नहीं किया है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा, अगर आपने फॉर्म को आधा अधूरा भरा है तो भी आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जा रहा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या रीजन आपको बताया गया, सारा रीजन को कवर करेंगे। अभी सबसे ज्यादा आपका इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पे आपको बोला गया कि फीस नहीं सबमिट करने के कारण। एक बात और यहाँ पे देखिए, हाई स्कूल बिलो 50%, अगर आपका 10th में अगर आपका 50% बन रहा था, अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया 50% से कम देकर, तो भी आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि रेलवे से करने के लिए आपको कम से कम 10th में 50% जो नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और देखिए यहां पे क्या आपको बोला गया है, अभी तक टोटल हम लोगों ने 3 कारण को देखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखते हैं नेक्स्ट, और किस तरह का प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे कैंडिडेट का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। टोटल सोचिए 811 पेज का पीडीएफ है, कितना 811 पेज का पीडीएफ है, और यहां पे लगभग अगर बात करें
लगभग अगर बात करें तो एक पेज में आपका 40 to 41 कैंडिडेट को रखा गया है। तो सोच लीजिए कि एक पेज में अगर 40 ही कैंडिडेट हैं और टोटल यहाँ पे 811 पेज का पीडीएफ जारी किया गया है, तो कितने कैंडिडेट को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आपको सुनकर बहुत हैरानी होगा कि लगभग यहाँ पे 32,440 कैंडिडेट के आसपास यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। सोच लीजिए, जब साउथ सेंट्रल का आया था तो उसमें 9,000 प्लस कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया था, और यहाँ पे जब एनईआर गोरखपुर का आया है तो 32,000 फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट किया गया, 32,000 से भी ज्यादा। अब चलिए एक एक करके आपको यहाँ पे जो रीजन है रिजेक्शन का, क्यों आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, उन सभी को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एक और आपका चौथा रीजन देखने को आ रहा कि ओवर एज, अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम आप 24 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर ओबीसी से बिलोंग कर सकते हैं मैक्सिमम 27, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम 29 साल, और वहीं अगर बात करें कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम 10 साल का रिलैक्सेशन जो है रेलवे में अप्रेंटिसशिप में देखने को मिलता है। तो टोटल 4 अभी तक रीजन हम लोगों ने देखा जिसके कारण यहाँ पे फॉर्म जो है रिजेक्ट किया जा रहा है। बाकी देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या रीजन को बताया गया जिसके कारण यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अगर आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मेंशन करिएगा कि किस कारण, कौन से रीजन के कारण जो है आपका फॉर्म यहां पे रिजेक्ट डिपार्टमेंट कर दिया। हालांकि ज्यादा जो रीजन है आपको ही देखने को मिल रहा कि एप्लीकेशन फॉर्म नॉट कंप्लीटेड, और दूसरा आपका पेमेंट का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा, और एक आपका एज प्रॉब्लम, ठीक है। और दूसरा बात करेंगे कि अगर आपका 10th में 50% से कम था तो भी आपका यहां पे फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। अभी अधिकांश आपको वही देखने को मिल रहा, चलिए और भी चेक करते हैं, ठीक है। बाकी आपका जिस भी कारण से फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा हमें जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। चलिए देख लेते हैं कि और यहाँ पे कुछ कारण है कि नहीं कि सिर्फ आपका इनकम्प्लीट के कारण ही फॉर्म को रिजेक्ट किया जा रहा। 32,000 प्लस छात्रों का फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया किया गया। सोचिए 32,000, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता। 80-85,000 टोटल कैंडिडेट फॉर्म ही अप्लाई किए थे जिसमें से 32,000 के आसपास फॉर्म को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। पर अभी तक देखिए यहाँ पे कोई भी मतलब करेक्शन के रिगार्डिंग अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट नहीं दिया है कि जिसका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए हैं वो लोग, वो क्या फिर से यहाँ पे किसी तरह अपना फॉर्म को सुधार सकते हैं या फिर ये रेस से बाहर हो गए, अब इनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसके कारण कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दिया गया। सिर्फ आपका डिपार्टमेंट अभी रिजेक्टेड लिस्ट का वो जो मेरिट लिस्ट है वो सिर्फ जारी किया है। तो फाइनल हम पीडीएफ के सबसे लास्ट पेज पे आ गए हैं, 811 पेज नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए आपको सेम वही सब रीजन देखने को मिल रहा कि फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, एप्लीकेशन फीस जो है वो पेमेंट नहीं हुआ जिसके कारण यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, हाई स्कूल में 50% से कम होने के कारण फॉर्म रिजेक्ट किया है। और कोई यहाँ पे नया रीजन देखने को नहीं मिल रहा, बाकी आप सभी एक एक करके अपना जो है वो चेक कर लीजिएगा। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अब ये सुधर नहीं सकता है। तो देखिए इसके रिगार्डिंग अभी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का कोई भी अभी तक वो ऑफिशियल नहीं आया है, जैसे कुछ ऑफिशियल आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। पर ये जो मेरिट लिस्ट है ये आपका ऑफिशियल है, ठीक है, ये आपका ऑफिशियल है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पे अपडेट इसका मिल जाएगा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेरिट लिस्ट को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको कहीं नहीं, सीधा गूगल पे जाना है और लिखना है profitstudy.in, लिखेगा तो आप ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाइएगा, वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट का एक कैटेगरी मिलेगा, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट का एक कैटेगरी मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिल ही जाएगा। इसके साथ साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो जितने कैंडिडेट नहीं ज्वाइन किए हैं फटाफट करके ज्वाइन कर लीजिए। इसका मेरिट लिस्ट भी हो सके तो बहुत जल्द इसका मेरिट लिस्ट भी रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर में कैंडिडेट को यहाँ पे रिजेक्ट किया जा चुका है, तो अब उनके पास सर्टेन लिमिटेड है आपका एप्लीकेशन का, ठीक है। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।